गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे जो है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसका नाम है आपके संयुक्त फलन, कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो अपन यहाँ देखेंगे कि कोई जो फलन है उनका संयुक्त फलन है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। लेकिन उससे पहले अपन एक बार इस चीज़ पर वापस चलेंगे कि ये फलन क्या होता है। भाई किसी का हम संयुक्त फलन निकालें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फलन क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और वह किस प्रकार से उसमें परिभाषाएं हैं वो किस प्रकार से उसमें लागू होती है। तो वैसे तो आप इसका डिटेल जो पूरा अध्ययन है वो आप कक्षा 11 में करके आ चुके, लेकिन फिर भी संयुक्त फलनों के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक है उन परिभाषाओं को और उनसे संबंधित प्रकारों को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फलन क्या है। देखो ये बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल पार्ट जरूर है लेकिन बहुत आसान है। अगर आपके परिभाषाएं समझ में आ गई ना तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, और एक बार समझ लिया ना फिर कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चीज़। तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझें कि फलन एक्चुअल में होता क्या है, ग्राफिकल रूप में समझाएंगे आपको, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना इधर। जैसे ये आपके पास कोई एक सेट है, कंटूर है, ये बंद आकृति है, ये इसको मैं सेट कह देता हूँ कि ये सेट ए है, ठीक है, और ये दूसरे वाला कंटूर है ये हो गया सेट बी। तो आपके पास फलन की परिभाषा क्या है वो सुनना ध्यान से, कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई एक प्रतिचित्रण या फिर फलन, इसको क्या कहते हैं एफ को, इसको प्रतिचित्रण भी कहते हैं, प्रतिचित्रण यानी मैपिंग। भाई ए की मैपिंग बी में हो रही है, यानी ए के कोई ना कोई अवयव है जो बी में संबंधित हैं, उसके मैपिंग इसमें अंदर बी के अंदर हो रही है, या इसको फलन भी कह सकते हैं, फंक्शन, ठीक है। ये एफ क्या है आपका, इसको प्रतिचित्रण बोलेंगे या फिर फलन बोलेंगे। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई प्रतिचित्रण एफ फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का कोई ना कोई अवयव, जैसे ए बी सी, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, देखना सुनना, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चेक करें यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 और 2, मेरे पास समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में 2 ही अवयव हैं। अब चेक करना है यहाँ पे, जैसे ए है वो 1 से संबंधित है, बी है वो 2 से संबंधित है और सी है वो भी 2 से ही संबंधित है। अब आप यहाँ चेक करें कि ये परिभाषा संतुष्ट हो गई, क्या ये फलन है क्या। तो चेक करें कि समुच्चय ए का जो अवयव ए है वो एक अद्वितीय अवयव 1 से यहाँ संबंधित है, ठीक है, संबद्ध है वो बी में, क्लियर। बी है वो 2 से संबंधित है, सी है वो भी 2 से संबंधित है। तो हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो है वो समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, ठीक है। इसका मतलब ए है, अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए है वो किससे संबंधित है, ए अवयव किससे संबंधित है, बी में 1 से संबंधित है, बी है वो किससे है, 2 से है, इसी प्रकार सी है वो भी किससे संबंधित है, 2 से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, फिर मजले कोष्टक में लिखेंगे और बाहर आ जाएगा एफ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है फलन को, कौन किससे कैसे संबंधित है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। परिभाषा ध्यान से सुन ले वापस, और इसको लिखने का एक शॉर्ट मेथड और है कि ये फलन एफ है ए से बी में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो एफ फिर सच दैट ए टू बी, देखो एफ सच दैट ए टू बी मतलब एफ एक फलन है जो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है को यहाँ लिखते हैं सच दैट, एक फलन एफ है वो इस प्रकार से है कि ए से बी में वो परिभाषित है, कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। अब यहाँ चेक करें, जहाँ ए और बी है वो अरिक्त समुच्चय आते हैं, नल सेट नहीं होते हैं, उसमें कोई ना कोई अवयव होते हैं। तो ए देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस प्रकार से संबंधित हो गए, तो इस प्रकार से ये जो है आपका ये कहलाता है फलन। अब एक चीज इसमें आप गौर कर सकते हैं कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ए अवयव है वो 1 से संबंधित है, बी है 2 से है, सी है 2 से। तो इस प्रकार से एक के किन्हीं 2 अवयवों का संबंध जो है वो बी में 1 ही अवयव के साथ है, बिल्कुल है, हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये बनता है आपका फलन। तो इसके बाद में आप वहाँ पीछे पढ़ कर आए हैं, एक तो फलन पढ़ा था आपने और इसके बाद में पढ़ा था कि फलन जो है उसमें कुछ होते हैं प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत, सहप्रांत और परिसर,
प्रांत, प्रांत को कहते हैं अपन डोमेन, सह प्रांत को कहते हैं कोडोमेन, और परिसर होती है आपकी रेंज। चेक करें क्या प्रांत होता है, क्या सह प्रांत होता है, क्या परिसर होता है। वही एग्जांपल, सेम एग्जांपल, आपके पास कोई फलन है, ए से बी में परिभाषित कोई फलन है एफ, ठीक। अब देखना, जैसे मैंने यहाँ पे अभी ले लिया ए बी सी, यहाँ पे वो ले लिया एक दो तीन, ए है वो एक से संबंधित है, बी है वो तीन से संबंधित है, सी है वो दो से संबंधित है। चलो इस प्रकार से हमने एक फलन परिभाषित कर लिया कि एक फलन f है वो a से b में इस प्रकार से परिभाषित है कि a है वो एक से संबंधित है और b है वो आपका तीन से संबंधित है, c है वो आपका दो से संबंधित है। चेक करें एक बार थोड़ा सा, अगर इस प्रकार से आपके पास कोई फलन होता है f जो a से b में परिभाषित है, तो आप चेक करें कौन प्रांत होता है, कौन सहप्रांत होता है, कौन परिसर होता है। उस स्थिति में चेक करें, सबसे पहले आपका जो फलन f है वो a से b में परिभाषित है, तो सबसे पहले कहानी आएगी प्रांत और सहप्रांत की, ठीक है। अगर कोई फलन a से b में परिभाषित है तो आपका जो समुच्चय a है वो कहलाता है प्रांत, यानी इसके अंदर जो भी अवयव आएंगे, इसमें अवयव कौन से हैं a b c, वो है आपका प्रांत ए बी सी, ये आपका प्रांत है जो कि समुच्चय ए के ही बराबर है क्योंकि इसके अंदर तीन ही अवयव हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका बी आता है, बी वो कहलाता है आपका सहप्रांत, ठीक है। और इसके अंदर अवयव क्या क्या है सहप्रांत के अंदर, एक दो तीन चार, एक दो तीन, ये इतने ही है सहप्रांत, ठीक है, एक दो तीन। अब देखना इधर, ए है वो एक से संबंधित है, बी है वो तीन से संबंधित है, सी है वो दो से संबंधित है। अब यहाँ ये सह प्रांत के अंदर कुल अवयव कितने हैं, एक दो तीन ही अवयव हैं, ये हो गया सह प्रांत। इसके बाद में बात करते हैं परिसर की, ये हमेशा कन्फ्यूजन पैदा करता है, और क्यों करता है इसको समझ लेना, आज फिर नहीं करेगा। परिसर, परिसर क्या होता है कि इसकी रेंज कहाँ तक है, मतलब परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज, और रेंज मतलब होता है कि अपनी पहुँच कहाँ तक है। तो इस ए समुच्चय का जो अवयव है उसकी पहुँच कौन कौन से अवयवों तक है, वहीं उसकी रेंज है। अगर जिसके साथ उसका संबंधित है, वो ए जिसके साथ संबंध रखता है, वहीं से उसका वहीं तक उसकी पहुँच है, उसके आगे उसकी पहुँच नहीं है। तो समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उनका जिन जिन अवयवों के साथ संपर्क है, जिन जिन अवयवों के साथ उसका संपर्क बनता है, वो उसके परिसर के अवयव होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ समुच्चय ए में अवयव एक बी सी, एक दो तीन, इन तीनों से संबंधित है, तो इसके परिसर में अवयव हैं वो आएंगे एक दो तीन, जो कि बी के बराबर ही आ रहा है, क्लियर है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल से इसको समझना, यानी कि इसका आप देख सकते हैं कि इसका परिसर है इसके सहप्रांत के बराबर ही हो गया, चेक कर पा रहे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, यहाँ ए से बी में वही कोई फलन परिभाषित है एफ, यहाँ अवयव है एक दो तीन, सॉरी यहाँ अवयव ले लेते हैं अपन ए बी सी, कुछ भी ले सकते हैं, वैसे यहाँ आ गया एक दो तीन चार। अब देखो ए का संबंध एक से है, बी का संबंध दो से है, सी का संबंध तीन से है। उस स्थिति के अंदर चेक करो कि प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, सह प्रांत क्या होगा। तो आपको बताया हुआ है कि जब ए से बी में परिभाषित है तो ये तो हो गया आपका प्रांत समुच्चय ए, समुच्चय बी है वो हो गया आपका सह प्रांत, ठीक है। अब ए के इसमें अवयवों को लिखूंगा तो इसमें अवयव आएंगे आपके पास ए बी सी, जो कि समुच्चय ए के बराबर है, और यहाँ सह प्रांत के अंदर अवयव आएंगे एक दो तीन चार, जो कि समुच्चय बी के बराबर है। अब हम निकालेंगे इसका परिसर, परिसर निकालें इसका रेंज, रेंज के अंदर कौन कौन से अवयव आते हैं। तो अपने को तो क्या देखना है, रेंज के अंदर देखेंगे कि समुच्चय ए में जो भी अवयव आ रहे हैं उनकी पहुंच कौन कौन से अवयवों तक है, यानी वो कौन कौन से अवयवों से संबंधित है, ठीक है। तो ए है वो एक से संबंध है, बी है उसका दो से है, सी है उसका तीन से है। अब बी के अंदर केवल तीन अवयवों तक ही ए की पहुंच है, तो परिसर के अंदर वही तीन अवयव आएंगे एक दो तीन, बस जहां तक इनकी पहुंच है। अगर कोई अवयव शेष रह गया वो रह गया, क्योंकि उसका संपर्क ही नहीं इनके साथ में, इनके रेंज में ही नहीं है वो,
यानी इनकी रेंज में ये अवयव नहीं है क्योंकि इनसे कोई इनका संपर्क नहीं है। तो जब परिसर हम ज्ञात करेंगे तो इसमें परिसर में अवयव आएंगे 1, 2, 3। अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या सहप्रांत के अवयव और परिसर के अवयव बराबर है, बिल्कुल नहीं है। परंतु इसके अवयव देख सकते, इसमें 4 अवयव है, इसमें 3 ही अवयव है, ये दोनों आपस में बराबर तो है नहीं। परंतु अगर इसको मैं बी करूं, इसको मैं कह दूं सी, परिसर का है उस जो समूह है उसको कह दूं सी, तो आप एक चीज चेक करेंगे कि परिसर के अंदर आपको जो भी एक समुच्चय प्राप्त होगा वो आपका सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। सहप्रांत का क्या होता है? उपसमुच्चय। तो यहां पे सी है वो उपसमुच्चय होगा आपका बी का। अब उपसमुच्चय क्या होता है ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुन ले। उपसमुच्चय सबसेट क्या होता है? सबसेट, सबसेट वो है कि जैसे ये आपके पास कोई सेट ए है ना, और इसके अंदर अवयव हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। अब इसी के अंदर मैं छोटे छोटे सेट और क्रिएट कर दूं, जैसे ये बना लिया मैंने, ये बना लिया मैंने, और ये बना लिया, ये बना लिया, ये भी एक सेट है, इसको मैं कह देता हूं जैसे ये है बी, ये है सी, इसको कह दिया मैंने डी, इसको कह दिया मैंने ई, ठीक है। अब यहां पे देखो, जैसे बी है आपके पास कोई एक सेट जिसके अंदर अवयव हैं 1 और 2, ठीक। यहां चेक करें आप, बी के अंदर अवयव हैं 1 और 2, क्या ये समुच्चय ए के अवयव हैं? समुच्चय ए में कितने अवयव थे? 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरे अवयव समुच्चय ए के अवयव हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी है वो ए का सबसेट है। सबसेट होने का मतलब ये है कि ये तो देखो सबसेट होने का चिन्ह होता है, इसके पीछे जो सेट होता है उसमें जो भी अवयव होते हैं वो आगे आने वाले सेट में होते हैं, उस आगे आने वाले सेट के भी अवयव होते हैं, तब हम कह सकते हैं बी जो है वो ए का सबसेट है, उपसमुच्चय है, ठीक है। इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं डी है वो ए का सबसेट है, अंदर ही आ रहा है इसके, ई है वो ए का सबसेट है, सी है वो भी ए का सबसेट है, बी भी था। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि ए है वो बी का सबसेट है तो ये कह सकता हूं क्या? बिल्कुल ही नहीं कह सकता, क्योंकि ए के सभी अवयव हैं वो बी के अवयव नहीं है, तो हम इस प्रकार से इसको काट देते हैं। तो ये तो है आपके उपसमुच्चय की कहानी। तो आप चेक कर पा रहे हैं यहां पे कि सी जो है उसके अंदर जो भी अवयव आ रहे हैं वो सारे के सारे बी के अंदर विद्यमान है, इसलिए हम कहेंगे सी है वो बी का सबसेट है। और दूसरे शब्दों में इसको कहेंगे अपन कि परिसर जो है, परिसर जो है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है, कि परिसर जो आपका आता है रेंज वो हमेशा सहप्रांत बी का एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो ये है आपकी परिभाषा प्रांत, सहप्रांत और परिसर की। फलनों के प्रकार, केवल हम वही बेसिक चीज ले रहे हैं जो आपके इस चैप्टर में काम आने वाली है। फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन चेक करो इसमें क्या क्या लेंगे अपन। इसमें सबसे पहले हम लेंगे अचर फलन, अचर फलन। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो क्या होता है चेक करें कि आपके पास वही समुच्चय, देखो परिभाषा है, व्यक्त करने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। यहां पे ए है, यहां पे बी है, ए से बी में परिभाषित कोई प्रतिचित्रण, कोई फलन एफ है। अब अचर फलन ये होता है तो इसमें कोई कंडीशन लागू होगी, देखो कोई ना कोई परिभाषा नई बनेगी तो उसमें नई चीज होगी, संबंधित होने का कंडीशन वही है, ठीक है। उसमें कोई ना कोई चीज नई होगी, तो अचर फलन के लिए क्या नया है सुनो ध्यान से। समुच्चय ए है उसमें अवयव है 3 अवयव है, जैसे ए बी सी, इसके अंदर भी कोई जैसे 2 अवयव है, 1 और 2 कोई भी अवयव हो सकते हैं। एक है वो जाके संपर्क बना आया एक से, बी गया, बी को भी यही पसंद आया, सी है उसको भी यही पसंद आया, ये लो भाई, ठीक है। तो आप चेक कर पा रहे हैं यहां पे कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो है वो समुच्चय बी के केवल और केवल एक अवयव से संबंधित है, एक ही अवयव से संबंध रहता है। इसका मतलब ये होगा कि यहां पे अगर आप ऐसे लिखेंगे एफ ए की, देखो फलन एफ है, फलन एफ है, यहां अवयव कौन सा है F. देखो फलन है उसको आपको पता है कि उसको एफ अक्ष से आप व्यक्त करते हैं, आपको पता है ये कि फलन है उसको एफ अक्ष से व्यक्त किया जाता है, जहां अक्ष वो वेरिएबल है उसका मान डिपेंड करता है, उसका मान आएगा कोई ना कोई, जिस पे आपको फलन का मान निकलवाएगा कि अक्ष इज इक्वल 2 पे मान ज्ञात करो, कि अक्ष इज इक्वल -1 पे मान ज्ञात करो, कि अक्ष इज इक्वल टू ए पर मान ज्ञात करो, ये सारी चीजें आएंगी, तो अक्ष का कोई ना कोई यहां पे मान आएगा। अब यहां पे जैसे पहला है कि ए अक्ष है वो किसका, मतलब अक्ष जो है वो समुच्चय ए में से कोई ना कोई अवयव होगा,
ठीक है। तो ए में कितने अवयव हैं, ए बी सी, तो एफ ए हो गया, एफ बी हो गया, एफ सी हो गया, इन तीनों के मान आपको देखने हैं। एफ ए का मान क्या आएगा, तो ए है वो किससे संबंधित है, ए से संबंधित है। देखो ए है यहाँ फलन एफ है, तो उसको लिखा जाएगा एफ ए इस प्रकार से, और वो किससे संबंधित है, एक से, तो इसका मान क्या आया, एक। ऐसे ही एफ बी, देखो बी है फलन एफ से परिभाषा है, तो एफ बी बन गया किससे संबंधित है, एक से। ऐसे ही एफ सी भी किससे संबंधित है, एक से। यानी ए के जितने भी अवयव आते हैं ए बी सी, वो केवल और केवल एक ही अवयव से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार का जो फलन होता है वो कहलाता है आपका अचर फलन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है अचर फलन, इसको समझ लेना एक बार वापस, ये सारी चीजें आपके काम आने वाली है आगे। कैलकुलस जब स्टार्ट करेंगे अपन, इसके नेक्स्ट कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको इन चीजों का पता होना जरूरी है, इसीलिए एक बार इस फर्स्ट चैप्टर को पहले स्टार्ट। दूसरा आपके पास आता है तत्समक फलन, तत्समक फलन, और इस तत्समक फलन को अपन कहते हैं इंग्लिश में आइडेंटिटी फंक्शन, जो खुद से ही मतलब रखे और किसी से मतलब नहीं हो उसको, आइडेंटिटी, बस अपने आप में ही, अपने आप में ही, तत्समक यानी खुद से, आइडेंटिटी खुद से ही अपना एक संबंध बना के फलन विकसित करेगा, फलन बनाएगा, कैसे, परिभाषा वही है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज होगा। आपने अभी तक पढ़ा था कि एक समुच्चय ए है वो बी में परिभाषित है, और वो इस प्रकार से परिभाषित है कि जिसको यहाँ ऊपर लिखते हैं हम एफ, यहाँ पे ए में कोई अवयव है ए बी सी। अब जब तत्समक फलन आता है तो तत्समक फलन की एक विशेषता होती है कि वो तो अपना संपर्क है खुद से ही रखता है, किसी दूसरे से नहीं रखता, दूसरे से नहीं रखता, तो इस बी की जगह कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तीन अवयव है, यहाँ पे भी यही होगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि वो खुद से ही रहता है, तो अवयव भी खुद से ही संबंधित होंगे, जैसे ए है वो ए से संबंधित है, बी है वो बी से संबंधित है, सी है वो सी से संबंधित है। तत्समक फलन की परिभाषा क्या हो जाएगी, तत्समक फलन क्या होगा, समुच्चय ए से स्वयं ए में ही परिभाषित कोई फलन एफ है वो तत्समक फलन कहलाता है, यदि ए है वो ए से संबंधित है, बी है बी से, सी है सी से। इस प्रकार से यदि आपके पास कोई फलन होता है जो स्वयं से स्वयं में ही परिभाषित होता है, जो ए से ए में ही डिफाइंड होता है, उस कंडीशन में, ए से ए में ही क्या होता है, वो डिफाइंड होता है, परिभाषित होता है, उस कंडीशन में वो कहलाता है आपका तत्समक फलन, खुद से खुद का संबंध, केवल खुद से ही मतलब, इतना सा काम है इसका। तो अब आगे आता है थर्ड नंबर, वो है तुल्य संबंध, तुल्य फलन, संबंध नहीं अभी, तुल्य फलन, इक्विवेलेंस फंक्शन, इक्विवेलेंस फंक्शन क्या है, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जब हम तुल्यता की बात करते हैं, तो हमारे पास दो चीज़ों की होना ज़रूरी है, यानी दो व्यक्तियों में तुलना होती है। यहाँ पे अगर समुच्चय की बात होती है तो दो समुच्चय में तुलना होगी, अगर हम फलनों की बात करते हैं तो दो फलनों में तुलना होगी। यानी अब कभी भी तुल्य चीज़ें आती है, तुलना करने की बात आती है, तो हमारे पास दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, दो चीज़ों में तुलना होती है। यहाँ पर बात हो रही है फलनों की, फलनों की बात हो रही है, तो जब तुल्य संबंध आएंगे उस स्थिति में आपके पास दो फलन होंगे, एक फलन एफ होगा और एक फलन जी होगा, ठीक है। अब अगर दो एफ और जी दोनों फलन अलग अलग हैं और ये तुल्य फलन कहलाते हैं, कब कहलाते हैं, सुनना ध्यान से, जैसे आपके पास कोई समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, इसमें परिभाषित कोई फलन एफ है और इसके अंदर अवयव हैं ए बी सी, इसके अंदर अवयव हैं एक दो तीन, तो ये इस प्रकार से संबंधित है कि ए का संबंध एक से है, बी का संबंध दो से है, सी का संबंध तीन से है। इसी प्रकार से जी है वो एक अन्य फलन है, जिसमें यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे ए डेस है, यहाँ लिखता हूँ बी डेस, और इस ए डेस से बी डेस में परिभाषित कोई फलन है जी, ये दूसरा फलन है, ये पहला फलन था, ये दूसरा फलन है, इसमें है ए बी सी, इसमें अवयव हैं एक दो तीन, एक का संबंध एक से है, बी का दो से है, सी का तीन से है। अब आप चेक करें कि परिभाषा क्या कहती है, उसको समझने का प्रयास करें। परिभाषा ये कहती है कि दो फलन एफ तथा जी, ये है दो फलन और ये तुल्य फलन कहलाते हैं, कब, जब ए का प्रांत
यानी ए के अंदर जो भी अवयव आ रहे हैं वो जी के प्रांत के बराबर होने चाहिए। प्रांत आप समझ चुके क्या है, ये प्रांत होता है और ये क्या होगा, सह प्रांत होगा। लेकिन ये प्रांत और सह प्रांत किसके हैं, एफ के, और ये है, ये भी है प्रांत और ये है सह प्रांत, लेकिन ये प्रांत और सह प्रांत किसके हैं, जी के। अब सुनना परिभाषा क्या है, दो फलन एफ और जी है, एफ और जी है वो तुल्य फलन कहलाते हैं यदि एफ का प्रांत जी के प्रांत के बराबर हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी है, दोनों बराबर है, बराबर है इसका मतलब प्रांत तो बराबर हो गए, तथा एफ का सह प्रांत जी के सह प्रांत के बराबर हो, ये भी बराबर है, एक दो तीन, एक दो तीन, इसमें भी अवयव बराबर है, तो इसमें एफ का जो सह प्रांत है वो जी के सह प्रांत के हो गया बराबर। इसके साथ में तीसरी कंडीशन ये आती है कि एफ अक्स इज इक्वल जी अक्स फॉर ऑल अक्स। इसकी इसका मतलब क्या है, ये एक परिभाषा हो गई, इसका मतलब क्या है, तो इसमें तीन कंडीशन आएगी तुल्य समतुल्य फलन होने के लिए, तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, एफ का प्रांत और जी का प्रांत बराबर होना चाहिए, एफ का सह प्रांत और जी का सह प्रांत बराबर होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन उसमें ये होती है कि एफ अक्स और जी अक्स है वो इक्वल होंगे सभी अक्स के लिए। कैसे चेक करना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एफ अक्स की। एफ अक्स एक फलन को व्यक्त करता है, ठीक है, अक्स है वो समुच्चय ए के अवयव होंगे, ठीक है, और ए में कितने अवयव हैं, तीन अवयव हैं, तो चेक करो एफ ए, सबसे पहले अक्स की जगह रखूंगा मैं ए, तो एफ ए किससे संबंधित है, एक से, तो एफ ए का मान क्या आता है, वन। इसी प्रकार से एफ बी, बी किससे संबंधित है, दो से, तो एफ बी का मान क्या आएगा, दो। इसी प्रकार से एफ सी है, उसका संबंध तीन से है, तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन मिल गई। अब इसी प्रकार से G की डेफिनेशन चेक करो, G में अवयव है A, B, C, तो जी एक्स फाइंड करेंगे, अब क्या फाइंड करेंगे, जी एक्स, यहाँ पे ये अक्ष जो है ये A डेस के अवयव होंगे, यहाँ पे ये A डेस है, A डेस के सारे अवयव होंगे, A डेस में तीन अवयव हैं, एक तो जी ए का मान निकालेंगे हम, एक जी बी का मान निकालेंगे, एक जी सी का मान निकालेंगे। चेक करें जी ए का मान किसके बराबर है, A किससे संबंधित है, एक से, B किससे संबंधित है, दो से, सी किससे संबंधित है, तीन से। अब चेक करें आप, एफ ए बराबर एक, जी ए बराबर एक, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एफ ए बराबर जी, ठीक है, एफ बी का मान दो है, जी बी का मान दो है, इसका मतलब यह कह सकता हूं कि एफ बी इज इक्वल जी बी, एफ सी का मान तीन है, जी सी का मान तीन है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं एफ सी इज इक्वल जी सी। तो इनको एक ही परिभाषा के रूप में लिखूंगा, तो मैं इनको लिख सकता हूँ एफ अक्स इज इक्वल जी एक्स, ये लो, ये तीसरी कंडीशन आती है, और ये सभी अक्स के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल अक्स, फॉर ऑल अक्स मतलब सभी अक्स के लिए, जितने भी इसमें अक्स के मान आएंगे ना, ए में जितने भी अवयव होंगे उन सभी के लिए सत्य होना जरूरी है। अगर एक के लिए भी असत्य हो गया तो फिर ये आपका तुल्य फलन नहीं होगा, ठीक है। तो फलनों के प्रकार, ये तीन ही प्रकार के फलन हैं जो आपके इसमें काम आने वाले हैं, इनकी परिभाषाएं सारे हैं, इनके नोट्स रूप में आपको सेंड कर दिए जाएंगे, तो वहां आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था फलनों का प्रकार, आज इनको थोड़ा सा रिपीट करके आएंगे आप। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, तो कल हम जो पढ़ेंगे उसको भी आपको पढ़कर आना है थोड़ा सा। ये तो था फलनों का प्रकार, अब है संबद्धता के आधार पर, संबद्धता के आधार पर फलनों के प्रकार। देखो अब जो आपके प्रकार आएंगे वो होंगे संबद्धता के आधार पर, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए आप एक काम करना, और पहले का पढ़ा हुआ भी है, देखो आगे संयुक्त फलन हम पढ़ें, उससे पहले आपको थोड़ा सा इलेवंथ का बुक में भी आपके दिया हुआ है, बाकी इलेवंथ की कुछ चीजों का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे संबद्धता के आधार पर फलनों के प्रकार पता है आपको कौन कौन से होते हैं, पढ़े हुए हैं आपके, एक तो होता है जैसे एकेकी फलन, एकेकी फलन, एक होता है आपका बहुएकी फलन, बहुएकी फलन, इसके बाद में आता है आपका आच्छादक फलन, फिर आता है आपका एक अंतरक्षेपी फलन, उसके बाद में आता है आपका एक एकेकी आच्छादक फलन। ये लो भाई फलन हो गए ये सारे,
एक एक ही को बोलते हैं वन वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन भी बोलते हैं, वन वन फंक्शन भी बोलते हैं। बहुवेकी हो गया मेनी वन फंक्शन, आच्छादक हो गया ऑन टू फंक्शन, अंतरक्षेपी हो गया इन टू फंक्शन, और एक एक आच्छादक हो गया वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सारे पढ़े हुए हैं आपको। कल हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि संबंधता के आधार पर फलनों के प्रकार क्या होते हैं। इन प्रकारों को पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे संयुक्त फलन की परिभाषा और उनसे संबंधित एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आज जो पढ़ाया है वो प्लस ये थोड़ा सा आप पढ़कर आएंगे ताकि कल की क्लास में जब इन परिभाषाओं को पढ़ाया जाए तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। बाद बाकी ऐसी कुछ कहानी नहीं है इसमें, आपको बिल्कुल आसानी समझ में आएगी सब कुछ, इसके नाम में है, आपने पहले पढ़ रखा है, तो इनको आज आपको थोड़ा सा पढ़कर आना है, तो कल हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।